मध्य प्रदेश में नाभिमिया से आ रहे चीतों के स्वागत की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। नाभिमिया से खाली पेट आ रहे चीतों की भूख मिटाने के लिए वन विभाग द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं। चीतों के शिकार के लिए राजगढ़ जिले के 181 चीतल कूनों लाए गए हैं। वन विभाग की टीम ने उन्हें कूनों के जंगलों में छोड़ दिया है। दरअसल चीतल को चीते का पसंदीदा शिकार माना जाता है। शिकार के लिए प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों से चीतलों की व्यवस्था की जा रही है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ स्थित चिड़ीखो अभ्यारण्य में चीतल एवं हिरणों की तादाद बहुत अधिक है। इस कारण राजगढ़ से 181 चीतल कूनों लाए गए हैं। श्योपुर जिले में स्थित कूनों नेशनल पार्क में उन्हें छोड़ा गया है। नामीबिया के चीते अब इन्हीं चीतलों का शिकार करते हुए अपनी तादाद बढ़ा सकेंगे। राजगढ़ के चिड़ीखो अभ्यारण्य से 200 चीतलों की मांग की गई थी। इसके बदले राजगढ़ वन विभाग ने 181 चीतल श्योपुर भेजे हैं। अब छिंदवाड़ा से करीब 500 चीतलों को लाने की योजना है। नामीबिया से आने वाले चीतों की आसानी से भोजन सुनिश्चित करने के लिए कूनों में चीतलों की प्रजनन भी आवश्यक है। वन विभाग की कोशिश है कि कूनों वन्य अभ्यारण्य में कम से कम 1500 चीतल छोड़े जाएं। राजगढ़ जिले के वन क्षेत्र में कुछ दिन पहले तक हिरण और चीतलों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। अचानक इतनी बड़ी संख्या में चीतल बाहर भेजे जाने के बाद अब पर्यटकों को चीतल देखने को नहीं मिल रही है। कूनों वन अभ्यारण्य के बाद चीतों का अगला पड़ाव गांधी सागर अभ्यारण्य रहेगा। गांधी सागर अभ्यारण्य के लिए राजगढ़ से 500 चीतल भेजे गए हैं। माना जा रहा है कि कूनों में चीतों को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आएंगे। पर्यटकों के ठहरने के लिए स्थान और घुमाने वाले गाइडों की जरूरत के लिए स्थानीय प्रशासन ने 50 आदिवासियों के घरों को ग्रामीण होम स्टे बनाने का फैसला किया है। साथ ही 30 आदिवासी महिलाओं को टूरिस्ट गाइड भी बनाया है।